सुपर आठ में दिखाओ दम तभी ट्रॉफी जीतेंगे हम। अफगानिस्तान को हल्के में लेना टीम इंडिया को पड़ सकता है महंगा। दोस्तों T20 विश्व कप 2024 के सुपर आठ में टीम इंडिया आज अपने अभियान की शुरुआत करेगी। बारबाडोस के किंगस्टन ओवल में सुपर आठ के पहले मुकाबले में भारत के सामने अफगानिस्तान की मजबूत टीम होगी। जी हाँ, मजबूत टीम मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि अफगानिस्तान को इस विश्व कप में अब तक शानदार खेल दिखाते हुए देखा गया है। भारतीय टीम भी जीत की रथ पर सवार है, लेकिन आज का मुकाबला एक तरफा होगा इसकी संभावना बहुत कम है, और इसकी वजह है T20 में अफगानिस्तान टीम का शानदार प्रदर्शन। दरअसल T20 विश्व कप में एक ओर टीम इंडिया है तो दूसरी ओर अफगानिस्तान। भारतीय टीम ने अपने 4 में से 3 मैच जीते हैं और कनाडा के खिलाफ जो मुकाबला होना था वो बारिश की वजह से भेंट चढ़ गया। वहीं दूसरी ओर अफगानिस्तान ने भी 4 में से 3 मुकाबले जीते हैं और एक मैच में उसे मेजबान वेस्टइंडीज से हार मिली थी। लेकिन लीग स्टेज में अफगानिस्तान ने न्यूजीलैंड को हराया था। आज जब भारत अफगान आमने सामने होंगे तो मुकाबला रोमांचक होगा, इसमें कोई दो राय नहीं। वेस्टइंडीज की पिच अमेरिका की पिच से अलग है। इस विश्व कप में यहाँ अच्छे खासे रन बन रहे हैं, 200 के पार भी आंकड़े गए हैं। लेकिन अफगानिस्तान की बॉलिंग अटैक अच्छी है, टीम में राशिद खान, नूर अहमद और मोहम्मद नबी जैसे कमाल के स्पिनर हैं। साथ ही तेज गेंदबाजी में फजल फारूकी आग उगल रहे हैं। रोहित और विराट के लिए ओपनिंग में बड़ी साझेदारी करना इन सभी गेंदबाजों के सामने एक बड़ी चुनौती होगी। आपको बता दें कि पिछली बार दोनों टीमों का जब आमना सामना हुआ था तो फैसला सुपर ओवर में हुआ था। मुकाबला इसी साल जनवरी में बेंगलुरु के चिन्नास्वामी स्टेडियम में खेला गया था, जहां अफगानिस्तान ने भारतीय टीम को कड़ी टक्कर दी थी। हालांकि टीम इंडिया को सुपर ओवर में शानदार जीत मिली थी, लेकिन मुकाबला सांसें रोक देने वाला हुआ था। इस मैच में टीम इंडिया के कप्तान रोहित शर्मा ने 69 गेंदों पर नाबाद 121 रन की पारी खेली थी और सुपर ओवर में भी 3 गेंद पर 11 रन बनाए थे। रोहित के अलावा इस मुकाबले में रिंकू सिंह ने 69 रन की जबरदस्त पारी खेली थी। आज रोहित तो है लेकिन रिंकू नहीं है, इसलिए पहले आपको दोनों टीमों के बीच T20 में हेड टू हेड आंकड़े दिखाते हैं। अब तक भारत और अफगानिस्तान के बीच कुल 8 T20 मैच खेले गए हैं। इसमें टीम इंडिया का एक तरफा दबदबा देखने को मिला है। भारत ने 8 में से 7 मुकाबले जीते हैं जबकि एक मैच बेनतीजा रहा है। यानी अफगानिस्तान की टीम को आज तक भारत के खिलाफ T20 में एक भी जीत नहीं मिली है। आपको दोनों टीमों की मजबूती और कमजोरी के बारे में बताते हैं। पहले बात भारतीय टीम की मजबूती की करते हैं। टूर्नामेंट में शानदार फॉर्म, भारतीय टीम इस टूर्नामेंट में शानदार लय में दिखी है। टीम ने अपने सभी मैच जीते हैं अगर बारिश वाला मुकाबला छोड़ दिया जाए तो। इसके अलावा जो दूसरी बड़ी बात है कि ऋषभ पंत की बैटिंग, ऋषभ पंत ने इस टूर्नामेंट में शानदार बल्लेबाजी की है। पिछले मुकाबले में भी उन्होंने भारतीय टीम को संभाला था और एक अलग ही लय में नजर आ रहे हैं IPL के बाद से ऋषभ पंत, तो उन पर बहुत ज्यादा उम्मीदें होंगी। वहीं जो अगली मजबूती है वो है शानदार बॉलिंग अटैक। टीम इंडिया के गेंदबाजों ने अमेरिका में जबरदस्त गेंदबाजी की, चाहे बुमराह हो, सिराज हो, अर्शदीप और भी कमाल की उन्होंने गेंदबाजी की। वहीं जडेजा और अक्षर ने भी स्पिन बॉलिंग में अच्छी भूमिका निभाई है। वहीं टीम इंडिया की कमजोरी की बात करें तो सबसे बड़ी कमजोरी है वो है विराट रोहित का फॉर्म। इस वर्ल्ड कप में अब तक दोनों ही बल्लेबाजों ने एक भी 50 भी नहीं लगाया है। हालांकि अब सिचुएशन बदल गए हैं, अमेरिका से वेस्टइंडीज तक गाड़ी आ चुकी है, यहाँ विराट रोहित का बल्ला चलेगा ऐसा हर किसी का मानना है। और फॉर्म इनके लिए बड़ी बात नहीं है दोस्तों, क्योंकि जब ये खेलते हैं तो सिर्फ यही खेलते हैं। और सबको इस बात की पूरी उम्मीद है कि विराट रोहित सुपर आठ में शानदार बल्लेबाजी करेंगे। टीम की अगली कमजोरी है कुलचा को जगह नहीं देना। भारतीय टीम ने अब तक किसी भी मुकाबले में कुलदीप यादव और युजवेंद्र चहल को मौका नहीं दिया है। ये टीम के लिए एक बड़ी बात है। हालांकि अब तक टीम इंडिया को इस टूर्नामेंट में हार नहीं मिली है, लेकिन हो सकता है कि कुलदीप या चहल में से किसी एक खिलाड़ी को आज के मुकाबले में मौका मिल जाए। और तीसरी कमजोरी है टीम इंडिया की, वो है टीम मैनेजमेंट की प्लानिंग। एक साथ रविंद्र जडेजा और अक्षर पटेल को खिलाना, यशस्वी जायसवाल को मौका नहीं देना, ये टीम इंडिया की कमजोरी है। और अब बात करते हैं अफगानिस्तान की मजबूती और कमजोरी पर। अफगानिस्तान टीम की मजबूती की बात करें तो उनके पास बेहतरीन स्पिनर्स हैं, 3 शानदार स्पिनर्स हैं टीम के पास, राशिद खान, नूर अहमद और मोहम्मद नबी। उनकी बॉलिंग अटैक भी मजबूत है, फजल और नवीन भी लय में है और तगड़ा शीर्ष क्रम है। रहमानुल्ला गुरबाज, इब्राहिम जादरान और रहमत शाह के रूप में टीम का शीर्ष क्रम काफी मजबूत है। टूर्नामेंट में इन बल्लेबाजों ने रन भी बनाए हैं। कमजोरी की बात करें तो भारत के खिलाफ जीत नहीं, ये सबसे बड़ी बात है। अफगानिस्तान टीम पर इसका बड़ा दबाव भी होगा। अब तक भारत के खिलाफ टीम ने 8 मुकाबले खेले हैं, लेकिन अफगानिस्तान अब तक भारत के खिलाफ जीत नहीं पाई है। तो अगली बात है बड़े टूर्नामेंट का दबाव। अफगानिस्तान ऐसा नहीं है कि पहली बार इतने बड़े टूर्नामेंट में भाग ले रही है, उसने अपने खेल से हर किसी को प्रभावित किया है, लेकिन बड़े टूर्नामेंट में टीम अक्सर आगे जाकर दबाव में दिखती है। और तीसरी कमजोरी है वो है मिडिल ओवर की बैटिंग।
तो देखना होगा इस पर अफगानिस्तान की टीम कितना काम करती है और आज का परफॉर्मेंस कैसा होता है। तो ये दोनों टीमों की स्ट्रेंथ और वीकनेस आपने देखा। अब बात प्लेइंग 11 की करते हैं। भारतीय टीम अभी तक सभी मैचों में एक ही प्लेइंग 11 के साथ उतरी है, लेकिन सुपर 8 के मैच अब अमेरिका नहीं वेस्ट इंडीज में होंगे, इसलिए प्लेइंग 11 में बदलाव की संभावना जताई जा रही है। बारबाडोस की पिच स्पिनर्स के लिए मददगार हो सकती है। हालांकि टीम के हेड कोच राहुल द्रविड़ ने मैच से एक दिन पहले यह साफ कर दिया था कि कुलदीप यादव और युजी चहल में से कोई एक ही स्पिनर टीम में खेल पाएगा, यानी अक्षर पटेल और रविंद्र जडेजा की जगह टीम में बरकरार रहेगी और उनके साथ आज प्लेइंग 11 में कुलदीप यादव को मौका मिल सकता है। ऐसे में तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज को टीम से बाहर बैठना पड़ सकता है, क्योंकि तेज गेंदबाजी में जसप्रीत बुमराह, हर्षदीप सिंह लैमे हैं। इसके अलावा हार्दिक पांड्या ने भी शानदार बॉलिंग की है, वहीं टीम के पास शिवम दुबे के रूप में भी एक विकल्प है। इसके अलावा बैटिंग में कोई बदलाव होगा इसका फैसला टॉस के वक्त पता चलेगा, जब रोहित शर्मा अपनी टीम के बारे में जानकारी देंगे। तो चलिए देखते हैं आज सुपर 8 में भारत को क्या अफगानिस्तान की टीम चुनौती दे पाएगी या फिर भारतीय टीम एक और बड़ी जीत दर्ज करेगी। सबसे ज्यादा नजर विराट कोहली और रोहित शर्मा पर होगी, तो देखते हैं कौन सी टीम आज बाजी मारती है। यूपी की हर खबर देखने और उनसे अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल श्रेष्ठ यूपी को सब्सक्राइब और लाइक करें, साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे हमारे हर वीडियो की जानकारी आप तक पहुंचती रहे।